बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत
अपने समय ते स्वासा नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियाँ अपने जीवन दियाँ अमोलक घड़िया सतगुरु गुरु ग्रंथ महाराज के चरणों में लगा के सफलिया करन दी खेचला यानी कृपालता कर तंत आओ थोड़ा जा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ महाराज के चरणों में लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया से संसार से की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहिदा है। भाई साहब जिन्हां सतपुरशां की याद मना रहे ने तन तन ब्रह्म ग्यानी संत बाबा नंद सिंह जी नानक सर वाले गुरु की संगत उस जमाने पता लगता सी कि संत कौन है। अजकल तो लोग मेरे वर्गे भी संत कही जाते मैं तो सत्ता सवेरे 9 बजे उठता हाँ उस जमाने पता लगता सी कि संत कौन हैं। बाबा नंद सिंह जी नानक सर वाले जिन्हों का पैरा बब्बर शेर देंदे रहे बब्बर शेर इतनी कमाई महापुरशां की रोज असी बाणी पढ़ते बीस बिस्में गुर का मन मान है सो सेवक परमेशर की गत जान है। यहो जे सतपुरश ने जेड़े जेड़े ने जिन्होंने गुरु का बचन मने जिन्होंने गुरु का बचन मने गुरु का बचन मनते मनते गुरु का रूप ही हो गए। हर का सेवक हर ही जिहा भेद न जाणो मानस देह ब्रह्म ग्यानी संत बाबा नंद सिंह जी अजकल तो असी गुरु ग्रंथ समर के सुखासन सेवा बाद च हुंदी है असी सब अरदास जी उठ के चले जाने पर एक गल दास दी शुरू रखियो जे गल एक दास दी एक गल याद रखियो खालसा जी भगती दे नालों सब तो वड्डी भगत जिहड़ी अरदास है सतसंग अरदास असी तां अरदास च वी नहीं शामिल हुंदे अरदास तू बिना सिख दे कोल है की है कहो वाहिगुरू कहो वाहिगुरू सिख दे कोल अरदास तू बिना है ही की है। माफ करना गुरु की संगत जेड़े महापुरशां दी सी याद मना रहे ने भाई साहब जी माफ करना गुरु की संगत बाबा नंद सिंह महाराज की सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करदे निकली माफ करना गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद संत बाबा नंद सिंह नानक सर वाले उन्हां समय तो जंगल होंदे उस इलाके च पर बाबा जी असीं अजकल देखते हाँ सात संघ जी अजकल का जमाना ही बदल गया है। गुरु की संगत बाबा नंद सिंह जी चौर करन दा ढंग निराला सी जब कोई सिंह एक बारी एक सिंह चौर कर रहा सी गुरु ग्रंथ साहिब नूं ऐ तां बाबा नंद सिंह जी लगे कहण ओए कह लगे ओ प्रेमियां चौर ऊंचा खड़ा होके कर जदों तू गुरु ग्रंथ साहिब नूं चौर करदा चौर गुरु नानक पातशाह की पिठ ते वजदा खालसा ऐ फिर खालसा जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे जरा ध्यान देना खालसा जी जिमें बीज तू बिना रुख नहीं रुख बिना बीज नहीं इवें खालसा जी गुरु तू बिना बाणी नहीं ते बाणी बिना गुरु नहीं। खालसा जी ध्यान देना कई कहिंदे ने कि जद कलगीधर पातशाह ने आउणा है कई कहिंदे ने दक्खण विचू आउणा कई कहिंदे ने हरिमंदर साहब आउणा पर माफ करना खालसा जी अपने अपने विश्वास की गल है जदों कलगीधर पातशाह जी ने आउणा है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दे विचू प्रगट हो जाणा खालसा जी गुरु तो कितें गया ही नहीं। जे आपां विचार करके देखिए खालसा जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे कदी कोई कोई गुरु अपने सिख नूं मत्था नहीं टेकदा टेकदा खालसा जी कदे कोई गुरु अपने सिख नूं मत्था नहीं टेकदा सारी जिंदगी बाबा लहणा जी सतसंग गुरु नानक जी नूं मत्था टेकदे रहे। एक समा ऐसा आया गुरु की संगत जदों गुरु नानक पातशाह जी ने गुरता गुरगद्दी की बख्शिश बाबा लहणा जी ते कीती है खालसा जी 5 पैसे नारियल जां नरेल रख के गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा लहणा जी नूं मत्था टेकिया
माफ करना खालसा जी, माफ करना क्यों टेकिया खालसा जी? जिहड़ी निरंकार दी जोत गुरु नानक आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो, जिहड़ी निरंकार दी जोत गुरु नानक साहिब विच आई सी ना खालसा जी, वह जोत गुरु नानक पातशाह जी दे विचो निकल के खालसा जी गुरु अंगद दे मार विच भी प्रवेश कर गई खालसा जी। गुरु नानक पातशाह जी ने उस जोत नू मत्था टेकिया सारी जिंदगी, साथ संग गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद दे मार नू मत्था टेकते रहे, नमस्कार करते रहे, पर एक समा आया दुनियावी रिश्ता करके गुरु अंगद दे महाराज ते बाबा अमरदास जी महाराज आपस विच कुड़म कुड़म लगदे सन। माफ करना कदे एक कुड़म दूजे कुड़म नू मत्था नहीं टेकदा साध संग जी, पर एक समा आया खालसा जी जदों गुरु अंगद दे महाराज जी ने बाबा अमरदास जी महाराज नू पांच पैसे नरेल रख के मत्था टेकिया, वो साध संग जी कुड़म समझ के मत्था नहीं टेकिया, ओड़ी गुरु नानक दी जोत दूजे जामे च आई सी तीजे जामे च चली गई। कहो वाहिगुरू। कदे कोई सौरा अपने जवाई नू मत्था नहीं टेकता। कहो वाहिगुरू। दुनियावी रिश्ता करके गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी महाराज दे जवाई लगते सन, क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज दे दो बेटियां सन, एक दानी सी एक भानी सी। जिहड़ी बीबी दानी सी वह भाई रामा जी नू व्याही होई सी, ते जिहड़ी बीबी भानी सी भाई जेठा जी नू भाव गुरु रामदास जी नू व्याही होई सी। सारी जिंदगी साध संग जी माफ करना गुरु रामदास जी पाप भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी नू मत्था टेकदे रह। एक समा आया जद गुरता गुरगद्दी दी बख्शिश करन समय गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा जी की सेवा से खुश हो गए, ते गुरता गुरगद्दी जी बख्शिश की ना खालसा जी पांच पैसे नरेल रख के गुरु रामदास जी नू मत्था टेकिया, जवाई जान के नहीं, प्रौणा जान के नहीं, खालसा जी ओड़ी निरंकार की जोत तीजे जामे च आई सी चौथे जामे च चली गई। पर जो चौथे पातशाह ने सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज ते गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की ना पांच पैसे नरेल रख के मत्था टेकिया, ते खालसा जी कोई प्यो अपने पुत्र नू मत्था नहीं टेकता। कहो वाहिगुरू। कोई प्यो अपने पुत्र नू मत्था नहीं टेकता। खालसा जी माफ करना सतगुरु गुरु रामदास जी ने पुत्र जान के मत्था नहीं टेकिया, ओड़ी निरंकार की जोत चौथे जामे च आई सी पंजवें जामे च चली गई। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने जब गुरता गुरगद्दी की बख्शिश सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज नू कीती ना पांच पैसे नरेल रख के मत्था टेकिया, खालसा जी पुत्र जान के नहीं, पर माफ करना कदे कोई दादा अपने पोतरे नू मत्था नहीं टेकदा। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने जदों गुरता गुरगद्दी की बख्शिश सतवें पातशाह गुरु हरा साहब से की, गुरु हरा साहब दुनियावी रिश्ता करके गुरु हरगोबिंद जी के पोता जी लगते सन, पोता जान के मत्था नहीं टेकिया, खालसा जी पोतरा जान के मत्था नहीं टेकिया। साहब तो ओली निरंकार की जोत छेवें जामे च आई थी सतवें जामे च चली गई। पर माफ करना कभी कोई अपने साढ़े पांच से छे साल के बच्चे भी मत्था टेकता, खालसा जी गुरु का शरीर नहीं है। माफ करना गुरु बाणी रूप है, शरीर तो गुरु ने संसार के भले वास्ते धारण किया, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतक गुरु नस्तारे। खालसा जी साढ़े सतगुरु पातशाह दे जामे भावे दस सन पर जोत एक सी। खालसा जी अठवें पातशाह जी जदों जदों पुछया दिल्ली दियां संगतां ने जदों हजूर ने भाणा वरताउणा सी निरंकार दे देश जान लगे, ते संगतां ने पुछया सी पातशाह तुहाडे बाद सतगुरु पातशाह कौन होणगे, हजूर ने इशारा कीता सी बाबा बकाले। दुनियावी रिश्ता करके गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे बाबा भाव दादा भी लगते सन, दादा जी लगते सन, गल विच भेद सी कि जेड़ा गुरु है ना गुरु है जेड़ा वह मेरा दादा भी है वह गुरु भी है, इस करके इशारा कीता सी बाबा बकाले। बकाले दे विच रहन वाले सोढ़ी माफ करना बाई मंजियां ला लईयां सन, मैं भी गुरु मैं भी गुरु मैं भी गुरु, माफ करना ते पता बाईयां नू भी सी कि साडियां झूठ दियां दुकानां ने, पता
खालसा जी सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज नूं भी सी कि ये झूठ दियां दुकानां पता बाईयां नूं भी सी कि ये झूठ दियां दुकानां आ कई बारी असी ना गुरु की संगत किते होर कंपनी दा लेवल ला के ना कम चला लैंदे आ पर खालसा जी ये सदा नहीं लेवल चलते होंगे माफ करना और 22 मंजियां जिहड़े ला के बैठे सन उन्होंने पता थी कि साडा एक पखंड उन्ने चिर चलना जिन्ने चिर गुरु तेग बहादुर महाराज प्रगट नहीं होए पता बाइया नूं भी सी कि सच ओ बैठा सामने भोरे दे विच पता भोरे विच बैठे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज नूं भी सी कि यह सब पखंड दे माफ करना गुरु की संग दीवे जगाई बैठे ने पर कालता जी कदे माफ जी महाराज ने माफ करना जदों गुरु कलगी पातशाह जी ने बख्शिश की गुरता गुरगद्दी दी 5 पैसे नरे रख के मथा टेकिया जेड़ी जोत निरंकार दी 8वें जामे तू 9वें जामे 9वें जामे तू माफ करना 9वें जामे आई थी ओह निरंकार दी जोत 10वें जामे च चली गई पर खालसा जी पहुंचो दखन नदेड़ दी पवित्र धरती गुरद्वारा सचखंड हजूर साहब खालसा जी जदों गुरु कलगी पातशाह जी ने खालसा जी गुरु ग्रंथ साहिब मरन गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की खालसा जी कहो वाहिगुरू जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की खालसा जी जिहड़ी निरंकार की जोत पहले जामे च 10वें जामे च आई थी वह निरंकार की जोत खालसा जी गुरु कलगी पातशाह दे निकल के गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रवेश कर गई खालसा जी गुरु साहब ने उस जोत मत्था टेकिया ते बचन कीता आग्या भई अकाल की तवी चलायो पंथ सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो आउणा अगली गल आ गई गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की किसे ने प्रगट भी कीता प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिलबो चाहे खोद शब्द में ले गुरु बाणी दे विच बैठा सतगुरु पातशाह बाणी दे विच बैठे ने बाणी विच खालसा दी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा नंद सिंह नानक सर वाले माफ करन आप जी दा एक सेवक सी भाई जवेंद्र सिंह उहने खालसा दी एक दिन बेनती कीती बेनती बाबा जी सुणिए कि धन्ने वर्गे भगतां नूं नाम दे वर्गे भगतां नूं भगवान ने दर्शन दित्ते ने धन्ने नूं माफ करन परमेश्वर ने पत्थर दे विच्चों प्रगट हो के दर्शन दिते ने बाबा जी जे धन्ने वर्गे भगतां नूं जे नाम दे वर्गे भगतां नूं साध संग जी कहना कीता बाबा जी जे पत्थर दे विच्चों परमेश्वर दे दर्शन हो सकते ने कई सज्जन कहिंदे ने अजकल कि धन्ने नूं पत्थर दे विच्चों दर्शन नहीं होए जे कदी बाणी पढ़ के देखिए खालसा दी माफ करना गुरु की संगत जदों परमेश्वर ने प्रहलाद की रक्षा की थी है कहो वाहिगुरू पत्थर सी पत्थर टुट सकता है पत्थर फुट सकता है जदू परमेश्वर ने प्रहलाद की रक्षा की थी है पाड़ थम प्रगट वो लोहे का थम थी खालसा जी कहो उस लोहे का थम थी लोहे का माफ करना गुरु की संगत पूछया थी राजे हरना आख ने तत्ते थम्मा ना लाया माफ करना दरियावां विच सटवाया खालसा दी परमेश्वर ने हर तरीके ना खालसा दी प्रहलाद की रक्षा की थी पर कालता जी जो हर तरीके ने प्रहलाद की रखा हुई ना एक बहुत बड़ा सड़दा बलदा लोहे का थम गर्म किया गया कहो वाहिगुरू ते हुण प्रहलाद नूं हरनाक्ष की कहिंदा कड खड़ग प्यो पुछया कौन तो तेरा है उस्ताद तलवार की मुठ्ठी नूं हाथ पा लिया ते राजा हरनाक्ष प्रहलाद नूं कहिंदा कहिंदा आवाज मार हुण मैं देखांगा तेरा नाम तेरी किवें रखिया करदा राम राम लाई फिरदा तेरा राम किवें रखिया करदा पर खालसा जी कड खड़ग प्यो पुछया कौन तो तेरा है उस्ताद गुरु की संगत भगत कबीर जी पता जी की कहिंदे ने ओह सड़दा बलदा थम जिहदे विचों 12-12 फुट तक सेक जा रहा सी ते साध संगत जी उस थम दे विचों पाड़ थम प्रगटियो नरसिंह रूप अनूप आगाद कहते ने उस सड़ते बलते थम दे विचू भगवान प्रगट हो गया जे परमेश्वर थम दे विचू प्रगट हो सकता है लोहे दे विचू लोहे दे थम विचू प्रगट हो सकता है खालसा जी ओ पत्थर दे विचू भी प्रगट हो सकता है खालसा जी पत्थर पत्थर सी पत्थर पत्थर सी एक अंग्रेजी की कहावत है
faith can move the mountain. विश्वास पत्थरां नूं मोह बना के रख दिंदा है। पत्थर पत्थर सी, पत्थर पत्थर सी, पर धने दी भावना पत्थर दे नालों मजबूत सी। खालसा जी ओदी पत्थर वर्गी भावना करके भगवान नूं पत्थर दे विचों प्रगट होना पै गया। खालसा जी माफ करना दास अर्ज कर रहा सी, गुरु की संगत रहो विचार किहो जे महापुरशन सन बाबा नंद सिंह जी। गुरु की संगत गल्लां कहण कदों तू न्यारियां ने। खालसा जी ध्यान देना, गुरु की संगत भाई जविंद सिंह ने आप जी का सेवादार की बेनती की, बाबा जी जे जे नाम दे वर्गे भगतां नूं, जे माफ करना धन्ने वर्गे भगतां नूं भगवान पत्थर दे विचों प्रगट हो के दर्शन दे सकदा, कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों गुरु नानक साहिब दे दर्शन नहीं हो सकते। पहली गल तो साड़ी ओ भावना ही नहीं, साड़ी ओ भावना ही नहीं है। गुरु की संगत माफ करना साड़ी कोई शरदा ही नहीं है। जब भाई जविंदर सिंह ने बेनती की तो बाबा नंद सिंह जी लगे कहन, कह लगे हो जविंदर सिंह सानू गुरु ग्रंथ साहिब विचों गुरु नानक साहिब के दर्शन हो सकते ने। आपां भी भगत धन्ने वाली भावना बनाईए, आपां भी भगत नामदेव वाली भावना बनाईए। भाई जविंदर सिंह लगे कहन, बाबा जी धन्ने की भावना किहो जी सी, नामदेव जी की भावना किहो जी सी। उस मौके महापुरश लगे कहन, जविंदर सिंह धन्ने ने तो पहला परमेशर नूं प्रगट करके ना उन्हूं भोजन खिलाया है, उन्हूं प्रशादा छकाया ते आप बाद छकिया। नामदेव ने भी पहला बीटल नूं प्रगट करके दूध पियाए, भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया। ते साथ नामदेव ने भी परमेशर नूं बीटल नूं पहला प्रगट करके ना माफ करना प्रशादा छका दुध पिलाया ते आप बाद दुध छकिया। आख्या जविंद सिंह जेकर गुरु नानक साहब के दर्शन करने की इच्छा है तो इंज कर, आप भी प्रण करिए, आप भी पहला गुरु नानक पातशाह जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच प्रगट करके भोजन छकाईए ते बाद च आपां भोजन छकीए। आपां भोजन छकीए खालसा जी, आपां बाद च प्रशादा छकीए। ते भाई जविंद सिंह कह बैठा सत बचन, कह बैठा सत बचन, कहना ते सौखा पर आखणी औखा। साजा नाओ कह बैठा सत बचन, आख्या चंगा फिर जविंद सिंह हुण प्रशादा पानी उदों ही छकांगे, उदों ही छकांगे, उदों ही जदों गुरु नानक पातशाह प्रशादा पहला प्रगट हो गए छकणगे। हुण खालसा जी समा बीतदा तुरिया जांदा है, दोवें महापुरश जंगल दे विच जांदे ने, लकड़ियां इकट्ठियां करदे ने, चुगदे ने, लकड़ियां बाजार दे विच वेच के ना खालसा जी पैर ते वट के चार दाल सीधा राशन वगैरह लई के करके प्रशादा तैयार हुण गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे रख के ते करदे ने अरदास। कदे आपां वी छकण तों पहला अरदास कीती खालसा जी, कहो वाहिगुरु। ऐना ही कह दिया करो मैं तेरा दित्ता खांदा, कहो वाहिगुरु। कदे कदे मालक नूं प्रशादा छकण लग्या ऐना ही कह दिया करो, सच्चे पातशाह मैं तेरा दित्ता खांदा, मैं तेरा दित्ता पहनदा, मैं तेरे आसरे जी रहा, तेरी रहम ते नजर तू बिना मेरे पातशाह मैं अगला साहब नहीं लै सकता। कभी ऐना भी कह दिया करिए, कदे ऐना भी कह दिया करिए। सात संग सखने मत्थे टेके तो गल नहीं बन जानी। खालसा दी रहत अवर अवर को मावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ, लावत पर जिन सेवया तिन पाया मान। नानक गावी है गुणी निधान, महापुर करके भोजन तैयार ना रख के गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां दे विच ते हुण ऐ अरदासां करदे ने। मेरी रुकी टुकी ताई भोग लावो गुरु नानक दे, भोग लावो गुरु नानक दे, ओग नावो गुरु नानक जी, ओग नावो गुरु नानक जी, सुखी सुखी Thank you.
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਜੇ ਆਪ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗਾ ਕਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਧੋ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੜੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਲਿਆ ਡਰ ਵਿੱਚ ਕੜੂ ਵੇਦੇ ਕੁਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਸਟਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਸਟਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇਗ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਨਾ ਘਟੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੇ ਦੇਗ ਘੜ ਜਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾਂਗੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭਗਤਾ ਤੇ ਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਲਤਾ ਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲਤਾ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ
ਕਲਗੀ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਕਲਤਾ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਰ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਮਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਪਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅੱਖ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਚਲ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਠੋਕਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿੱਤੇ ਸੜਨ ਪਰਵਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਰ ਕਰਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਦਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉੱਡ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਜਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਗੇ ਪਰ ਜੀ ਮਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੋ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕੌਤਕ ਅਨੋਖਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਛਾਕੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਛਾਕੇ ਬਣ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
महापुरख झल नहीं सके। गुरु प्यारियो भाई साहब भाई जवेंद्र सिंह ते बाबा नंद सिंह की खुशी का टिकाणा ना रहा। इस नंद नूं ते बाबा नंद सिंह जानते ने, चाहो जानते ने जिन्हों बाबा नंद सिंह की तरह गुरु नानक पातशाह के दर्शन होंगे ने खालसा जी। और गुरमुखो गुरु नानक पातशाह लगे कर जवेंद्र सिंह कुछ मंग लो, जवेंद्र सिंह कुछ मंग लो, तुहाडे ते बड़े खुश हां। भाई जवेंद्र सिंह लगे कर पातशाह कृपा करो, कृपा करो, जे पुठे हो जदू मैं तुहाडा कीर्तन करा मैनू आप जी दे इसे तरह दर्शन होने चाहिए ने जिवें हुण दर्शन हो रहे ने खालसा जी। गुरु नानक पातशाह लगे कर तुफा अस्तु, जा जवेंद्र सिंह ऐसा होगा आह। बाबा नंद सिंह महाराज नु गुरु नानक पातशाह लगे कर नंद सिंह तू भी कुछ मंगना है। महापुरखा ने आख्या पातशाह मंगना नहीं आउंदा, गरीब नु आज मंगण की जाच नहीं, मंगण की जाच नहीं। बाबा जी नू गुरु नानक पातशाह ने फिर आख्या नंद सिंह कुछ मंग लै, दूजा बचन कुछ मंग लै। खालसा जी बाबा जी ने फिर आख्या पातशाह मंगण की जाच नहीं, मंगना आउंदा ही नहीं। फिर खालसा जी तीजी बारी जो गुरु पातशाह ने आख्या आख्या नंद सिंह कुछ मंग लै, बाबा नंद सिंह कहते ने पातशाह मंगना तो नहीं आउंदा पर कृपा करो जे तुठे हो तो अपने बना लो, जे तुठे हो तो अपने बना लो। और गुरु नानक दी संगत गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठी है संगत, तुसी भी कलगी धर पातशाह के चरणों में अरदासा करो सच्चे पातशाह सानू अमर की दात दे के अपने बना लो, सानू भी अपने बना लो। आह गुरु नानक पातशाह ने आख्या नंद सिंह अज तक किसी ने अमंग मंगी नहीं, पर नंद सिंह फिर तू मेरा बन के रही, दुनिया अगे हाथ ना अड्डी। आख्या नंद सिंह कुछ होर मंगना होर। आख्या पातशाह एक अपने स्वरूप की मूर्त दे दियो, कहो वाहिगुरु एक फोटो दे दियो अपनी। बाबा नंद सिंह जी लगे कहन एक फोटो दे दियो, एक हजूर का स्वरूप दी फोटो चाहिए, मूर्त चाहिए। गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर का मंत्र, गुर का शब्द मंत्र मन मान। गुरु नानक पातशाह लगे कहन कह लगे नंसिया फोटो किवें लवेगा। आख्या पातशाह हुक्म करो तो मैं फोटोग्राफर नू लै आवां। भगत सिंह नां दा फोटोग्राफर जिन से महापुरख भगत सिंह नां दे फोटोग्राफर दे कोल आए ने। आके आके फोटोग्राफर नू प्रेमी है जरा छेती कर, जरा छेती कर साढ़े नाल चल। फोटोग्राफर कहना महापुरखो की हुक्म है। महापुरख बाबा नंद सिंह जी लगे कर प्रेमी आ गुरु नानक पातशाह के स्वरूप की एक फोटो लैनी। फोटो भगत सिंह नाम का फोटोग्राफ लगा कर गुरु साहब स्वरूप की फोटो लैनी है। आख्या महाराज बाबा जी की गल्ला कर दो गुरु साहब तां माफ करना पौने 500 साल हो गया संसार का भला करके निरंकार के देश में चले गए। महापुरखा क्या प्रेमी है साढ़े नाल चल। भगत सिंह नाम का फोटोग्राफर ना जदू महापुरखा ने नाल आया है खालसा दी करोड़ा सूरजां दे प्रकाश नूं
आ थोड़ी जी लाइटा लग दी तो संगत के दर्शन भी नहीं होते खालसा जी, थोड़ी जी लाइटा तेज हो जाए उसे तक करोड़ा सूरजों का नूर प्रकाश गुरु नानक पातशाह के पवित्र रूप च निकल रहा जी खालसा जी। भगत सिंह नाम का फोटोग्राफ दंग रह गया, जाके जो दर्शन किए नमस्कार की जो फोटो लैन लगता तो गुरु नानक पातशाह का स्वरूप कैमरे में ठीक नहीं आता, नजर ही नहीं आता। तो चंगा सूरज चढ़े चंदन हूं भगत सिंह नाम का फोटोग्राफर बाबा नरसिंह जी बेनती करते कहता कहता बाबा जी गुरु साहब कहो कि जरा प्रकाश घट करो, अभी तो जने खड़े गुरु मान के बह जाने उतो तो करोड़ा सूरजा का प्रकाश से फोटो नहीं आ रही। अज तो गुरु के चेहरे को तक बिजली जीरो वाल से बिजली से बल्ब का प्रकाश नहीं निकलता, जीरो वाल से बिजली से बल्ब का प्रकाश नहीं निकलता। बाबा नरसिंह जी ने बेनती की पातशाह भगत सिंह कहता कि फोटो पूरी साफ नहीं आ रही, थोड़ा जा प्रकाश घट कर। ऐसा होया बेनती की गई, हजूर ने आख्या भाई भगत सिंह लैला फोटो। जब भगत सिंह ना दे फोटोग्राफर ने फोटो लई ना तो फोटो लैकर घर चला गया। दूजे दिन फोटो होके साफ करके फोटो लैके आया, आके तो बाबा नरसिंह पता की कहता, कहता बाबा जी एक बारी गुरु नानक पातशाह के दर्शन होर करवा दो, मैं जरा फोटो मिला के वेख ला कोई कमी तो नहीं रह गई। महापुरख करो भगत सिंह तेरा पिछला कोई चंगा पुन कर्म सी, तेन गुरु नानक के दर्शन हो गए, तेरा कोई पिछला चंगा पुन कर्म सी भगत सिंह तेन गुरु नानक पातशाह का दर्शन हो गए। जो भी गुरु साहब का स्वरूप बनी है यह ठीक ही बनी है। एक बारी आया सी कोई प्रेमी बाबा जी के चरणों में, कहता बाबा जी मैं सुनिया कि तुहानू गुरु नानक पातशाह के दर्शन होते ने, मेरे वर्गे तो मेरे वर्गे करना कुछ भी नहीं, मेरे वर्गे करना कख भी नहीं दादा जी, मैनू तो मैं तो इंज करदा इंज करदा। हर जत सुने न हर जत गावे पातल ही असमान करावे, गल्ला ना मेरे वर्गे संत बनते पर गल्ला ना संत कितने बनता, जे गल्ला ना संत बनने होंगे कपड़े बड़े मिल जाएंगे बाजारां च, कहो वाहगुरू कहो वाहगुरू, वाजे बड़े मिल जाएंगे, साज भी बड़े मिल जाएंगे, चुमटे ढोलकियां बड़े मिल जाएंगे, पर महापुरखा वाली कमाई किसे लियावांगे खालसा जी। किसे माई का एक बच्चा छोटा जिहा, आपां बहुतात लोग पिंडां दे रहण वाले जरा ध्यान देना, एक माई का छोटा जिहा बच्चा खालसा जी जिद करता तो मां नूं कहिंदा माई कितें शहर गई, तो कहता मां रिओड़ियां खाणियां ने, रिओड़ियां खाणियां ने रिओड़ियां। माई बच्चे नूं कहिंदी बेटा रिओड़ी, जिवें अजकल कैंडियां मशहूर ने, माफ करना माई ने आख्या पुत रिओड़ियां नहीं खाई दी दंद खराब हो जाते ने, बच्चा हुण जिद करता कहिंदा मैं जरूर खाणियां ने। माई रिओड़ियां वाले नूं कहिंदी वे भरावा रिओड़ियां किवें लाईआं ने, कहिंदा माता 50 पैसे की छटांक, अगे 50 पैसे बड़े होंदे सन। आ गल चली महापुरखां दे जीवन से। खालसा जी माई कहती है तां महंगीआं ने, इह तां महंगीआं ने। माई कहती बच्चे नूं कहती काका गुड़ भी साडे घर दा ते तिल भी साडे घर दे ने, 50 पैसे दीआं रोड़ियां नाल बनना कुछ नहीं, अपना पिंड इत्थों 3 मील की दूरी से घर चल ते तैनूं तेनू चौखियां ज्यादा रिओड़ियां बना दिया कि जिन्या मर्जी खाली रज के खाली। तो बच्चा जी चुप कर गया,
ਉਹ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਮੁੜਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗੁੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ जिमीदार गुड़ भी थोड़े घर तेल भी थोड़े घर देने माता मैं मनता तू रोड़िया भी बना लेंगी पर माता ए दस तू कड़ाका कित्थों पवाएंगी कीमत तो कड़ाके दी है कड़ाके दी ओ 50 साल की तपस्या बाबा आनंद सिंह की कित्थों लैके आवांगे खालसा जी ध्यान देना पवेगा ध्यान देना पवेगा महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी खालसा जी एक समय कई कई दलील देनिया पैंदियां एक महापुरुषों का श्रद्धालु सी उन्हें एक निंदक पुरुष लगा कहन कह लगा मैं सुनिया कि बाबा आनंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु नानक पातशाह नूं प्रगट करके रोज रोज प्रशादा छकाउंदे ने ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਛਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚੱਟ ਪਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ Thank you.
ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੰਗਤ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾਕਾਰਾ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰੂ ਐਸੇ ਰੂਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਰ ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਰ ਭਾਈ ਛਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਸ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿੰਦ ਮਾਤਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਉਤਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦਨਾ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪੂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪੂ ਤੇ Thank you.
ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ अपनी नड़ाए कर दरवेश आए सब से मामा का दुनिया से आना धनता जोग दसिया खालसा जी जिन्हें मामा के बच्चे बहरू का भजन करते हैं बहरू का नाम जपते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्हें टीवी का संबंध खालसा जी कनैक्शन एरियल के नाल है एरियल का कनैक्शन संबंध हवा दिया लहर के नाल है हवा दिया लहर का संबंध टीवी सेंटर के नाल है टीवी सेंटर साउथ हॉल लंडन भी हो सकता है टीवी सेंटर बर्मी गांव भी हो सकता है इंडिया च जलंधर है दिल्ली पैंदा होर कई थावां ते हैगा जिवें टीवी दा संबंध कनैक्शन रिलेशन खालसा जी एरियल दे नाल है एरियल दा संबंध हवा दियां लहरां दे नाल हवा दियां लहरां दा संबंध खालसा जी टीवी सेंटर दे नाल इवें महापुरखां दा कनैक्शन गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दा कनैक्शन दसा पातशाहियां दे नाल है दसा पातशाहियां दा कनैक्शन खालसा दी अकाल पुरख दे नाल है खालसा दी माफ करना गुरमुखो बाबा नंद सिंह किसी समय नानक सर जगरावा कथा कर रहे कथा कर रहे महापुरख अपने अनुभव की गल करता वो किताबी गल नहीं करता अपने अनुभव की गल करता अनुभव की जैसा गुरमुख उद्देश्या मैं बाबा जी कथा कर रहे खालसा जी अज पूर्णमासी का दिहाड़ा है एक माई खालसा जी पूर्णमासी वाले दिहाड़े से गुरु की संगत माफ करना नानस जगरावा खालसा जी पूर्णमासी के दिहाड़े से जा रही है इधर थोड़ी लेट होगी तो अगे गड्डी दरवाजे तो चलनी थी जरा ध्यान देना खालसा जी माई ने गल ना एक बच्चा लाया थी एक हाथ के गुरमुखो थैले वगैरह कुछ प्रसाद वगैरह पाए ने कुछ होर प्रसाद वगैरह पाए माई थोड़ी लेट हो गई जब माई रेलवे स्टेशन तक पुजी तो खालसा जी अगे गड्डी ने विसल देती गड्डी चलन लगती माफ करना माई दौड़ के खालसा जी गड्डी के कोल पुजी ना गड्डी से लगी चढ़न गड्डी की खिड़की के बाद डंडा होंदा आप जानते ही माई ने डंडे नू हाथ पाया खालसा जी उधर महापुरख कथा कर रहे ने इधर गड्डी की खिड़की के बाहर गड्डी की खिड़की के बाहर डंडे नू माई ने हाथ पाया गड्डी चली धक्का वजा खालसा जी बच्चा गोदी के गड्डी की लाइन से जा पाया माई ने आख्या बाबा नंद सिंह जी लुट्टे गए बाबा जी उजड़ गए माई ने आख्या बाबा जी लुट्टे गए बाबा जी असी मारे गए उधर महापुरख कथा करते करते कहते बस भाई कह की देरी थी खालसा जी गड्डी दिया ब्रेक जाम हो गई सुन महापुरख बाबा नंद सिंह नंद सर वाले गड्डी दिया ब्रेक जाम हो गई एकदम लोग हैरान हो गए भी ये लगता जिम्मे खालसा जी को गड्डिया भिड़ गई होना कहते ना गड्डी दिया ब्रेक की आवाज नानक सर जगरावा सुनाई दी
संगत ने महापुरुषों ने बेनती की बाबा जी आप आवाज आई एकदम जिम्मे कि गड्डिया भिड़ गई हो जिन्हों के पले को जा दसते नहीं जग ने नहीं दसते रंप दर सपाए कबीरा गांठ न खोले मैं पटन मैं पर नहीं गाक नहीं रब दे बंदियां दी निशानी है जिन हर पाया तने छपाया संगत ने आखा बाबा जी एक कड़का बड़ा होया कड़ाक बड़ा होया आवाज बड़ी आई है महापुरख लगे कर गुरु नानक दी संगत गुरु नानक दे घर विच गुरु नानक दे बंदियां दे कई गुप्त कौतक होंदे ने गुप्त गड्डी दियां ब्रेकां जाम हो गई माई ने बच्चा चकिया गल ना लाया ते गड्डी ते बैठी इधर माफ करना खालसा दी टीवी वगैरह सारे देखते ने कबरे गड्डी नूं की होया कर गड्डी दोबारा चलाई ते चल पई अगे बाबा जी खालसा दी कथा समाप्त हो चुकी थी महापुरुष संगत च बैठे बचन कर रहा सन माई ने जाके मत्था टेकिया आख्या बाबा जी बड़ी कृपा की थी अज रख लिया महापुरखा मेरा बच्चा ते गड्डी दी लैण ते जा पिया सी बड़ी कृपा की थी संत महा बाबा नंद सिंह जी लगे कर माता अति की कृपा करनी सी पर फिर भी माता सानू कुछ समा पहला क्या करो ओ माता असी भी अगे किसी नू कहना हुंदा खालसा जी असी भी अगे किसी नू कहना हुंदा है चल महापुरख बाबा नंद सिंह खालसा जी कहते प्रेमी ने पूछा जी बाबा जी सुनिया कि तुम गुरु नानक पातशाह का दर्शन होते ने बाबा जी लगे कहने प्रेमी है की जवाब दे आख्या बाबा जी कोई कृपा कर बाबा जी लगे कहने प्रेमी है जे मैं कहता कि गुरु नानक के दर्शन होते ने बाबा जी लगे कर प्रेमिया गल होमे च जाती है गल होमे च जाती है जे मैं ये गल कहता कि गुरु नानक पातशाह के दर्शन होंगे ने गल होमे च जाती है बाबा जी लगे कर प्रेमिया जे मैं कहता कि गुरु नानक पातशाह के दर्शन नहीं होंगे तो दास झूठ बोलता ये अर्थ कढ ली जाके एदा अर्थ निकलता ठीक ही महापुरखा नु गुरु नानक पातशाह के दर्शन होंदे ने खालसा जी एक को प्रेमी महापुरखा के चरणों में आया घरों बड़ा दुखी सी दुनिया ही दुखा का घर खालसा जी साढ़े तीन साल बीत गए नानक सर जगरावा झाड़ू की सेवा करता झाड़ू की सेवा अज नजर पैगी महापुरखा की नजर पैगी नजर कमाई वाले की मेरे वर्गिया की नहीं गन्ना वाले की नहीं नजर पैगी महापुरखा की अज सवेर के नितनिम की अरदास तो बाद कीर्तन की समाप्ति बाद जो बाबा नंद सिंह जी गुरु की जगत अपने निज स्थान से जा रहे थी ते बाबा जी की नजर इस प्रेमी से पई ये फटे पुराने कपड़े किसी की छाने च बड़ी चलती है तो कई नहीं चलती हो जज को बड़ी चलती जज ना गलबात चंकी हो जोड़ा मर्जी कम करा लेता कहो वाहगुरु छानेदार में चंकी गलबात हो जो मर्जी करा लो किसी मिनिस्टर को चंकी चलती होगी किसी प्राइम मिनिस्टर में चंकी गलबात होती है खालसा की किस्म की सरकार दरबारे चंकी चलती है साड़ी तो सिर्फ इतने चलती है साड़ी जिवें इतने चलती ना किसी की थाने च किसी की कोर्ट च किसी की अदालत च किसी की मिनिस्टर को किसी की किसी प्राइम मिनिस्टर को चंकी चलती है इवें महापुरखों की दरगाह में चलती खालसा की कौ वैल्यू गुरबाणी की सुख आती है जिसका किया दरगाह चलना कौ वैल्यू जिसका किया दरगाह चला दरगाह
पहचान देना पवेगा खालसा जी। अज महापुरख निकले ने खालसा जी अमृत वेले दे नेतन तू बाद ते अगे प्रेमी झाड़ू देवे पिया। बाबा जी की नजर पई आख्या प्रेमिया वो किसी दे रहने वाला की करता हुना ते एदे फटे पुराने कपड़े एने आख्या बाबा जी करना की है साढ़े तीन साल हो गए नानसर झाड़ू की सेवा करता। तो बाबा जी कहते साढ़े तीन साल हो गए झाड़ू की सेवा करता। तो महापुरुष कहते ने प्रेमिया इंज कर फिर कुछ परलोक वास्ते मंग लै। आंदा बाबा जी लोक जी भुखा मरदा पिया तो लोक वास्ते की मंगना। भेद न जाने ये कसरत बाबा जी लगे कर भाई लोग च भुखा मरद कई ना परलोक वास्ते की मंगा लोग च भुखा मारे हैं। जरा ध्यान देना गुरमुख बाबा जी लगे कर प्रेमी हैं मंग फिर की मंगता। इन्हें आख्या बाबा जी गरीबी भी बड़ी ते घर च अमीरी भी बड़ी। बाबा जी लगे कहण ओए आ दो गल्लां किवें कठियां रह गईआं अमीरी भी बड़ी ते गरीबी भी बड़ी है। अगे पुराने लोग पुराणियां बीबियां जाणदियां ने वडेरियां मतावां पुराने बजुर्ग जाणदे ने अगे लोकी जमीन दे विच पैसे दब छड़दे सन घरां च। कहिंदा बाबा जी पैसे भी बड़े ने बाबा जी घर च गरीबी भी बड़ी ते अमीरी भी बड़ी। बाबा जी लगे कि अमीरी भी बड़ी ते गरीबी बड़ी है दो गलों का तो मेल नहीं अमीरी किवें ते गरीबी किवें। इन्हें आख्या बाबा जी घर पैसा बड़ा सी धन बड़ा सी हुण भी बड़ा है पर बाबा जी वो धन ना घर दे किसे कोने विच मेरे घर वाली ने दबिया है ते वह मर गई ओनू मरी नू तीन साढ़े तीन साल हो गए। बाबा जी रोटी तू आवाजार हो गया भुखे मर रहा। बाबा जी पैसा बड़ा सी जे वो पैसा मिल जाए तो अमीरी बड़ी तो नहीं मिलता तो गरीबी बड़ी। बाबा जी भुखा मरदा इतने आया था। बाबा जी लगे कर फिर कह लगा बाबा जी जे वो पैसा मिल जाए जे वो धन मिल जाए बाबा जी गरीबी दूर हो सकती है। महापुरख देखो जनाउंदा नहीं कदे सबर अंग सबरी तन ए जन ए ओ नजी खुदाए दे ए दम दे। महापुरख आखिया आख्या भोलिया वो फिर धन से घर च ही होगा। हां महाराज धन से घर च ही है। बाबा जी कहते फिर असं किवें दस सकते हैं कि वह धन कित्थे है क्यों दे दस सकते सन। बाबा जी लगे कर प्रेमिया इंज कर कल नूं जदों तू इत्थे झाड़ू देवेगा ना जिहड़े हुण दे रहे हैं सामने दरख्त सी खालसा जी एक पिपल का एक दरख्त सी। बाबा जी लगे कर प्रेमिया इंज कर इंज कर जदों तू कल नूं नित रोज की तरह कल नूं झाड़ू देवेगा ना और जिहड़ा सामने दरख्त खलोता है उस दरख्त के थले कल तेरे घर वाली खलोती होगी। बेटा तू न्यारी है संतां दी गईआं लोको बेटा तू मारी है संतां दी गईआं लोको बेटा तू न्यारी है संतां दी गईआं लोको बेटा तू न्यारी है संतां दी गईआं लोको। महिमा भेद न जाने ये सब ते सब रखिया मैं
प्रेमिया अज कर थले तेरी घर वाली कल खड़ोती होगी इंज कर ओनू पुछ ली पैसा कितने दबे है एक बंदा साढ़े तीन साल पहला मर गया होवे किया दरगाह चले जिसका किया दरगाह चले किया दरगाह चले किया दरगाह चले फेद न जाने जिसका सुनते सामतिया ने मैं पुरखा वचन कर दिता गल इस प्रेमी के दिमाग च निकल गई दिल च सोचता दसो महापुरशा ने की वचन कर दिता दसो मेरे घर वाली इतना कलौती होगी मैं दसेगी कि पैसे कितने दबे ने आह मन ही मन कहता दसो महापुरखा वचन की कर दिता विश्वास आना चंगे कर्मक बिना विश्वास नहीं आया करता खालसा जी दूजा दिन हो गया खालसा जी दूजा दिन आया झाड़ू दिंदे दिंदे ए प्रेमी जो झाड़ू दे रहा थे इहदे दिमाग चो गल निकल गई थी इहने सोचा कि महापुरखां ने एवें मेरा मन रखने वास्ते गल कहती है ओ कमाइया वाले साधु सन खालसा जी झाड़ू दिंदे दिंदे खालसा जी इहदी नजर उस दरख्त थले पई जिथे का इशारा बाबा जी ने किया की देखदा दरख्त थले ना इहदे घर वाली खलोती वेख के घबरा गया डर गया भी आ की गल इहनू तां चढ़ाई की तेरे साढ़े तीन साल हो गए उहने आवाज दित्ती कहिंदी गल सुनो रा तू कहिंदी गल सुनो रा भले लोग गल सुन अगे वधिया कह लगी पैसे बारे पुछना पैसा कितने कितने पिया पुछना वो कहता पैसे बारे तो बाद गल करांगा तू यह दस भी तू कि आ गई साढ़े तीन साल हो गए ना तेन मरी कहती भोलिया कल का बाबा नरसिंह ने दरगाह में टैलीफोन किया कि फलानी फलानी माई नू दिन चढ़ने तू पहला नानसर भेजा जाए नानक कचड़िया तू पाड़ ढूंढ संत पटिया ओ चूंडिया विछड़न ओ मोया चाहिए महाराज कहने कच्चिया ने टुट जा संसार कच्चा है टुट जा कोई लभ ला कौन कोई ढूंढ ला कोई रब के बंदे ढूंढ ला इन्हें कच्चिया ने जूंदे जी छड़ जाने पर नाम के जपन वाले ने दरगाह च भी साफ नहीं छड़ना खालसा जी वो मोया जाई ना वो मरण तो बाद भी साथ नहीं छड़ते कह लगी रही गल माया जी कहती घर के फलाने कोने च दबी है वो कहता तू इत कि आ गई कहती भोलिया तू इत की गल करता कहती मैं तो उस दिन की सचखंड च बैठी हाँ जिस दिन तू नानसा जगरावा सेवा कर रहे खालसा जी गुरमुख तद गुरबैनी जी क्या ना धन 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 जने आया कौन आया भाई जिस पता सब जगत तराया भगत नामदेव जी ने साढ़े सात करोड़ जीवन का उधार किया राजा जनक ने सारा कुंड नरकों ने खाली करके रख दिते सन खालसा जी संतर राजा जनक है जिन सिमरन की ओत पे इस घड़ी ते सिमर ओ भाजी करे समेत नाम है
ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ ਅੰਤਮ ਔਲਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ संगत अज उन्हां महापुरशां दी पवित्र याद मना रहे हो तह तुहानू आप जी नू सारयां नू लख लख वधाई दिंदे आ। गुरु की संगत प्रोग्राम ते अज कोई होर रखना सी पर भाई साहब ने बड़ा उद्यम किया, संगतां ने बड़ा उद्यम किया, वेले दा राग गाया जांदा है उही चंगा लगदा। जे किसी दे घर किसी दे घर आनंद कारज होना बड़ी बाणी भी जांदी है, पर उत्ते गलत जी असीं इह नहीं पढ़ सकते कि गुरमुख जन्म सवार करके चले। माफ करना है आसा दी वार भी बाणी, सवेरे रह रास नहीं पढ़ सकते, माफ करना ते शाम नूं पूरे आसा दी वार दा कीर्तन शुरू कर दे। लोग कहणगे दसो भी आ की गल हो गई, खालसा दी माफ करना समय दा राग ही सुभाइमान होया करदा है। इस करके आप जी दे सारे दे दर्शन किते ओइया भुलां दी माफी, मेरे विच तां सिखां वाले भी गुण नहीं, पर गुरु प्यारिओ आओ आपां सारे ਗੁਰਤਕ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾ ਤੂੰ ਪਸਾਦ ਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਓਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਤਲਾ ਕਰੋ।